अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको तमाम किस्म के कैपेसिटर जो कि पाकिस्तान में इस्तेमाल किए जाते हैं उनके नामों के बारे में बताऊंगा और साथ ही बताऊंगा उनकी कीमत क्या होती है और किस कंपनी का कैपेसिटर सबसे अच्छा होता है। तो वीडियो के अंत तक लाजमी देखें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये ऊपर जो पड़े हुए हैं कैपेसिटर ऊपर वाले रैक में, तो ये सारे रैक कैपेसिटर्स का ही है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। तो ये सबसे ऊपर जो कैपेसिटर्स पड़े हुए हैं देखने में ये बहुत ही अजीब लग रहे हैं। तो इन कैपेसिटर्स का इस्तेमाल बड़ी मोटर्स में किया जाता है जो कि 1 हॉर्स पावर की होती है, 2 हॉर्स पावर की, 3 की 4 की टोके वाली मोटर्स हो गई या डिफरेंट किस्म की मोटर्स होती हैं। तो ये सारे कैपेसिटर्स इस कंपनी के होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये कैपेसिटर जो कि ये इसके नंबर्स होते हैं, ये 80-110 नंबर का कैपेसिटर है जो कि उसके बाद 138-182 का होता है और फिर 200-250 का होता है और उसके बाद 250-300 और 300-400। ये मुख्तलिफ नंबर्स के कैपेसिटर्स जो कि बड़ी मोटर्स में लगाए जाते हैं, इन नामों से इनको पुकारा जाता है। तो पाकिस्तान में ये सबसे अच्छी जो कंपनी है ये यूनिक के कैपेसिटर्स होते हैं, जो कि यूनिक कंपनी पाकिस्तान में सबसे अच्छी कंपनी है जो कि ये इन कैपेसिटर्स को बनाती है। तो उसके बाद बात की जाए छोटे कैपेसिटर्स की जो कि 3-5 का होता है, 4-5 का, जो कि जिनका इस्तेमाल सीलिंग फ़ैन में और ये पेडिस्टल फ़ैन में किया जाता है और इसके अलावा छोटे पंखों में जिनका इस्तेमाल किया जाता है, एयर कूलर, इलेक्ट्रिक कूलर जो होता है उसमें किया जाता है, इलेक्ट्रिक वाटर पम्प में किया जाता है और वॉशिंग मशीन के कैपेसिटर जो कि हर अगर बात की जाए तो कैपेसिटर्स का इस्तेमाल हर तरह की चीज़ों में किया जाता है, चाहे वो कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ है उसमें कैपेसिटर्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है और कैपेसिटर के बगैर उस चीज़ को नहीं चलाया जा सकता। तो अब बात की जाए इन कैपेसिटर्स की जो कि ये रेड कलर के हैं, ये ब्लू कलर के, जो कि ये अंबर कंपनी के कैपेसिटर्स हैं और ये रेड कलर के फ्यूजी कंपनी के कैपेसिटर्स होते हैं। तो ये वाइट कलर, ये ब्लू और रेड के अलावा जो आपको ये कलर्स नज़र आ रहे हैं ये चाइना के कैपेसिटर्स होते हैं जो कि बहुत ही लोकल और हल्के कैपेसिटर्स होते हैं। तो बात की जाए फ्यूजी के कैपेसिटर्स की, तो फ्यूजी के कैपेसिटर्स पाकिस्तान में सबसे ऊपर टॉप रैंक में जो आते हैं वो फ्यूजी कंपनी के कैपेसिटर्स हैं जो कि बहुत ही महंगे होते हैं। तो बात की जाए 3-5 के कैपेसिटर की जो कि सीलिंग फ़ैन में लगाया जाता है वो 170 रुपये का कैपेसिटर है और 4-5 वाला 190 रुपये का कैपेसिटर है। तो अंबर की बात की जाए तो अंबर का 3-5 का कैपेसिटर 80 रुपये का है जबकि 4-5 का कैपेसिटर 90 रुपये का किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप से आपको मिल जाएगा। उसी तरह जब नंबर ज़्यादा बड़े होते जाते हैं और इनके रेट्स भी ज़्यादा होते जाते हैं। तो सबसे अच्छे कैपेसिटर हैं जो कि फ्यूजी कंपनी के हैं। फ्यूजी कंपनी पाकिस्तान में सबसे टॉप वाली अच्छी कंपनी है जो कि बहुत ही अच्छे कैपेसिटर्स बनाती है। इन कैपेसिटर्स की खसूसियात ये होती हैं कि ये कैपेसिटर जल्दी ख़राब नहीं होते और ये ड्यूरेबल होते हैं और ये जल्दी हीटअप नहीं होते और इनका लेवल भी बरकरार रहता है। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि कैपेसिटर्स किन किन नामों के होते हैं, किस कंपनी का कैपेसिटर सबसे अच्छा होता है और पाकिस्तान में टॉप रैंक कंपनी कौन सी है जो कि कैपेसिटर्स में एक अपना पहचान रखती है, एक नाम रखती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया फ्रेंड्स।